और गेट तक जाना है। आपका नाम क्या है? पेन कहाँ है आपके? कुल्ले में। आपको कितना टाइम हो गया इसका? डेढ़ साल। डेढ़ साल हो गया। और आपको कब पता चला कि आपके ये? दो महीने पहले। दो महीने पहले। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, वन मोर राउंड, एक राउंड और ले लो। वेरी गुड, आ जाओ। ठीक, वेरी गुड। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? सर अभी तो अच्छा फील कर रहे हैं, पहले से। अच्छा, पहले से अच्छा लग रहा है? अच्छा, क्या क्या चीज़ों में सुधार देखा? तो पहले मैं नाइट जैसे रात में लेटते थे तो लेटने के बाद करवट नहीं ले जाती थी, दर्द होता था। और उठते बैठते भी दर्द होता था, चेयर से उठने बैठने में भी दर्द होता था, चेयर से या बेड से भी उठने बैठने में दर्द होता। ठीक है, उसमें अब बहुत आराम है। उसमें बहुत आराम है। परसेंटेज में पूछा अगर कितना परसेंटेज है, मतलब 100 में कितना नंबर हो गया? मेरे 60-70% 60-70%। बढ़िया, वेरी गुड। तो ट्रीटमेंट से खुश हो, हैप्पी? हाँ सर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और हैं हमारे पास जो कि MP से हैं। यूपी में कहाँ से? अमरोहा। अमरोहा, यूपी में अमरोहा से आए थे। इनका नाम नीरज जी है। तो नीरज जी नमस्कार। इनको भी एवियन की समस्या थी। सबसे पहले जानते हैं इनसे कि इनको कब और कैसे पता चला और फिर आज हमारे यहाँ आके कैसा फील कर रहे हैं। तो नीरज जी, स्टार्टिंग से बताइए कि कब सबसे पहले आपको पेन हुआ? सर मुझे पेन 1.5 साल पहले हुआ था। तो हल्का हल्का पेन होता था। मैंने अपने वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया तो उन्होंने बताया कि पेन है और कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे दवाई खाई तो आराम नहीं हुआ। अच्छा, कितने कब की बात है ये? 6 महीने, साल भर, कब की बात है? साल भर हो गया। साल भर हो गया, ओके। पिछले साल में? पिछले साल। ठीक है, फिर क्या किया उसके बाद? तो फिर उसके बाद हमने एक जो देसी डॉक्टर होते हैं उनसे दवाई खाई तो उनसे भी आराम नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी MRI और CT करवा लो। ठीक है, हाँ हाँ। तो हमने जब MRI CT कराई तो तब डॉक्टर ने बताया कि आपको एवियन हो चुका है। ठीक है, ओके। इससे पहले क्या कोविड भी हुआ था क्या आपको? कोरोना भी हुआ था? नहीं, कोविड नहीं हुआ था, ड्यूटी करी थी कोविड में। कोविड में? अच्छा, ड्यूटी करी थी, ओके। ठीक। मगर ऐसा कोई निगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो डॉक्टर ने फिर आपको क्या ऑपरेशन बोल दिया था क्या? ऑपरेशन के लिए बोला कि आपको ऑपरेशन ही होगा, बिना ऑपरेशन के आप सही नहीं हो सकते। सही नहीं हो सकते, और इसी से ही काम, मतलब इसी से काम चला लो जब तक आपका काम चलता है। हाँ। कि बाद में लास्ट चांस ऑपरेशन ही है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या किया? घर में सबको बताया होगा? घर में सबको बताया तो सब ने इधर उधर दिखाया। तो फिर मैंने यूट्यूब पर देखा आपका वीडियो। तो यूट्यूब पर देखने के बाद पता चला कि आपके यहाँ इलाज होता है, तो मैं फिर कानपुर आ गया। ओके, तो आज जैसे यहाँ 7 डेज की सिटिंग हो गई है तो अभी कैसा लग रहा है? सर पहले से तो मुझे कम से 70% आराम है। पहले मैं लेट नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था। अगर लेट के उठता भी था तो पीछे हाथ का सहारा लेता था ऐसे जब उठता था। अब तो मैं लेट भी लेता हूँ, बैठ भी लेता हूँ आराम से, चल भी लेता हूँ। दर्द में भी बहुत आराम है। तो और जो AVN के पेशेंट हैं आज के ज़माने में, आप देख ही रहो यहाँ पे भी आपने काफ़ी सारे लोगों से मिले, नए पुराने सभी तरह के मरीजों से मिले। तो जो लड़के हैं जो खास तौर से जिनको कोविड की वजह से AVN हो ही रहा है आजकल, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? तो सर सलाह ये देना चाहेंगे कि ऑपरेशन में जल्दबाजी ना करें, पहले कहीं दिखाएं या फिर कानपुर आ जाए यहीं पर, क्योंकि एक मौका दें अपनी बॉडी को। हाँ, एक मौका दें अपनी बॉडी को, डॉक्टरों के कहने में ना, क्योंकि डॉक्टर लोग तो होते हैं कि ऑपरेशन जल्द से जल्द करा लें। ठीक है, तो एक मौका दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे मिस्टर नीरज जी, और आपने इनके विचार सुने और इनको काफ़ी आराम मिला है। इन्होंने काफ़ी बहादुरी का भी काम किया है कोविड की में, मतलब कोविड के समय में इन्होंने ड्यूटी करी, मतलब बिल्कुल जान में खतरा, जान का खतरा होने के बाद भी, जान का खतरा भी कह सकते हैं आप उसको, काफ़ी सारे लोग कोविड में चले भी गए, ऐसे में ड्यूटी करना एक बड़ी बात, मतलब बहुत अच्छे कोविड वॉरियर भी रहे हम लोग हमारे देश के। तो अब ऐसे लोगों को भी AVN हो रहा है जिनको कोविड के लक्षण तो नहीं हुए क्योंकि यंग थे,
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट फिर भी एवियन हो रहा है, मतलब ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई केस हमारे पास भी हो गए जिन लोगों को कोविड तो नहीं हुआ था, बट चांसेस हैं कि वो लोग कोविड का एक्सपोजर ज़रूर हुआ होगा, बॉडी में आया होगा, यंग एज के थे तो उन पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, फीवर वीवर नहीं आया, बट वायरस तो प्रेजेंट है बॉडी में ना, तो ऐसा ऐसे भी केसेस देखे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जिनको कोविड नहीं भी हुआ है, यंग एज के हैं, वो सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो घर में एक्सरसाइज करना तो स्टार्ट कर ही दें, एक्सरसाइज उनके लिए हमेशा फ़ायदेमंद है, और उनको फिर एवियन की समस्या या आगे चल के किसी भी और जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी। योगा एक्सरसाइज खासतौर से बोल रहा हूँ, जिम वाली एक्सरसाइज नहीं, योगा एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि इसमें स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन खुलता है, मसल मास नहीं बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन खुलता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिए और मेरे मैसेज को आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से, और इसी तरीके से हमारे चैनल में ज़रूर बने रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय।